गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थ्री का चैप्टर टू लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ को पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ, ये हम लोग का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ का मतलब क्या हो गया कि क्या धरती पे जीवन संभव है कि नहीं, ठीक है? तो हम लोग इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, हम लोग अर्थ वाले प्लैनेट पे रहते हैं। बट वी आर नॉट अलोन, हम अकेले यहाँ नहीं रह रहे हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ द अदर पीपल टू, हमारे साथ साथ मिलियंस ऑफ पीपल भी इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। नॉट ओनली पीपल लाइक अस बट ऑल्सो फाइंड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, वेराइटी ऑफ प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम द लैंड ऑन विच वी लिव, ऑल्सो फाइंड द वाटर अराउंड अस। कहने का मतलब हो गया कि सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ पे बहुत से इंसान के अलावा बहुत से जानवर यहाँ रह रहे हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स यहाँ रह रहे हैं, ठीक है? वी ऑल्सो फाइंड अ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ये सब भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये जो भी है, ये जमीन है, ये जमीन भी धरती का ही क्या पार्ट है, और यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पानी मिल रहा है हम लोग को, ये सब इसी का हिस्सा है। हम लोग अपने चारों तरफ जहां भी देखिए क्या मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा। इट मे इन फॉर्म अ लैक पॉन्ड रिवर सी, ये जो पानी है हम लोग को किस किस रूप में मिलेगा भाई? तो हम लोग को लैक के रूप में मिलेगा, पॉन्ड के रूप में मिलेगा, रिवर के रूप में मिलेगा, समुद्र के रूप में मिलेगा, पानी तो है। कहता है कि द प्लांट, द प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो ये अर्थ प्लैनेट है इस दो चीज से, एक लैंड से और एक वाटर से, दो चीज से बना है। कहता है 3/4 ऑफ द अर्थ इज वाटर, अर्थ का तीन हिस्सा क्या है, पानी है, और एक हिस्सा क्या है, जमीन है। सम एरिया ऑफ द अर्थ आर वेरी हॉट, अर्थ का कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा गर्म है। वाइल सम पार्ट रिसीव अ मेनी रेनफॉल, कुछ पार्ट हैवी रेनफॉल, कुछ पार्ट ऐसा भी अर्थ का जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है? दीज एरिया हैव थिक वेजिटेशन कॉल्ड फॉरेस्ट, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, जाहिर सी बात है प्लांट बहुत सारा ग्रो करेगा, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। कहता है फॉरेस्ट आर द होम ऑफ द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट जितने भी जंगली जानवर है उनका ये फॉरेस्ट क्या है, घर है। सम एरिया आर कोल्ड, बहुत कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा क्या है, ठंडा है। दे आर कवर्ड विद स्नो, वो बर्फ से ढका हुआ है। Very few living things can stay alive in such a climate. इस तरह के क्लाइमेट में बहुत ही कम जीव, कुछ ही जीव क्या करते हैं, यहाँ रह पाते हैं। Some places have a little or no often very cold. कुछ प्लेस ऐसा है जो बहुत ही छोटा है और कम ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। Such place as a desert, no often very cold, एकदम ठंडा नहीं है, ठीक है? उस एरिया को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। द टाइप ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, द टाइप ऑफ द वेदर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट क्या है, तो द टाइप ऑफ द वेदर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो वेदर का अलग अलग जो प्रकार है किसी पर्टिकुलर जगह पे जो पाया जाता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, याद रखिएगा। द टाइप ऑफ द वेदर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट, एक क्लाइमेट का डेफिनेशन है। हो सके पीछे के क्वेश्चन में ये रहेगा, व्हाट इज क्लाइमेट। कहता है कि एयर अराउंड द अर्थ, हवा जो है अर्थ के चारों तरफ है। वी ब्रेथ एयर, हम लोग हवा को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम लोग इसके बिना रह नहीं सकते, सांस नहीं लेंगे कहां जिंदा रहेंगे। दिस कार्पेट ऑफ एयर सराउंडेड अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, दिस कार्पेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, इस अर्थ के चारों तरफ जो एयर का कार्पेट बिछा हुआ, जो घिरा हुआ है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। यहाँ डिफिनेशन हो सकता है कार्पेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर, ये डिफिनेशन होगा बाबू, याद रखना है। कहता है कि प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर, प्लांट जो है या तो वो लैंड पे ग्रो करेंगे नहीं तो वाटर पे ग्रो करेंगे। We use plant for food. हम लोग प्लांट का यूज किस लिए करते हैं, फूड के लिए करते हैं। They help us to grow and lead healthy life. यह हम लोग को help करते हैं grow करने में और healthy life जीने करने में, ठीक है? कहता है food, water and air are the basic of life.
हवा, पानी, खाना, ये हम लोग के जीवन का आधार है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा शायद नहीं रहेंगे। दे आर फॉर अस टू लिव, ये यहाँ क्या होता है, रहने के लिए हम लोग का आवास स्थान है। ठीक है, अब देखिएगा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मिलियन द पीपल, अब ये क्वेश्चन आंसर है इसका, देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव अपना, देख लीजिए पाउच करके और इसको बना लीजिएगा। और एक और है वो यहां पे होगा, देखिएगा देखिए एक ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी अपना देख लेना, बना लेना। हम लोग को कह देगा कि व्हाट इज प्लैनेट अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ किस चीज से बना हुआ है, तो क्या पता है लैंड और वाटर से बना हुआ है। ठीक ना, व्हाट इज क्लाइमेट, देखिए आ गया ना लोकेशन, बोलो तो ना क्लाइमेट आएगा, आ गया। व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ किस पे, हवा पानी और जमीन पे ना, खाना पानी और हवा, यानी फूड वाटर एंड एयर, ये हम लोग का बेसिक लाइफ है जिससे हम लोग जिंदा रहना है। व्हाट इज डेजर्ट, डेजर्ट को पूछ देते, याद है ना, बता दिए थे ना क्या, कि द प्लेस वेयर वेरी लिटिल, छोटे जगह पे जहां एकदम ठंडा नहीं होता है तो वहां पे क्या है, जिसको डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही सब जो हम लोग को है बनाना है। ठीक है, चैप्टर अपना बुक को एक बार फिर से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा स्कूल आइए, ठीक ना, आपको पर्सनली हम लोग बताएंगे। थैंक यू।